रीवा जिले से है, जहां महिया थाना क्षेत्र में बड़ी पोस्ट ऑफिस के पीछे खुटेही में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जब एक महिला के साथ एक युवक और दो युवतियों ने मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी निकलकर सामने आए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। पूरी घटना विराट 24 न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। मारपीट कर युवक और दो युवतियां मौके से चली गईं। जब तक महिला के परिवार के लोग पहुंचे, तब तक विवाद करने वाले रफूचक्कर हो गए थे। पीड़ित ने बताया कि मारपीट करने वाला सारजा खान निवासी खुटेही का है, जो अपनी दो बहनों के साथ मिलकर महिला के साथ मारपीट किया है। दरअसल विवाद की वजह महिला के बेटे विकास सिंह की बाइक विगत दिनों चोरी हो गई थी। उस बाइक की तलाश कर दिलाने के नाम पर सारजा पैसे लिए थे, लेकिन बाइक नहीं दिलवाया। इसके बाद कई बार युवक और पैसे मांगने पहुंचा, जिसको लेकर विकास सिंह की मां ने फटकार लगाई थी। मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे युवक पुनः गाली गलौज करते हुए महिला के घर पहुंचा, जहां उसके परिवार और बेटियों के खिलाफ अपशब्द कह रहा था। महिला घर में अकेली थी, एक छड़ी लेकर बाहर निकली। इसी दौरान युवक गाली गलौज करता रहा, तो महिला ने एक छड़ी युवक को रसीद कर दी। महिला की छड़ी लगते ही युवक और दोनों बहनें वृद्ध महिला पर टूट पड़ी और जमीन पर पटक कर जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह से महिला भाग कर अपने घर के अंदर पहुंची और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। कुछ देर बाद महिला का बेटा पहुंचा और महिला को लेकर महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक अकेली महिला के साथ युवक अपनी बहनों के साथ मिलकर मारपीट करता रहा, लेकिन मोहल्ले के लोग तमाशबीन बने रहे। वहीं महिला के द्वारा सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से एक अकेली महिला को अश्लील गालियां देकर उकसाया गया, फिर उसके साथ पिटाई की गई। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई।